अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया करामत समामानी से। अक्सर आपको मुख्तलिफ अननोन नंबर से मैसेजेस या कॉल रिसीव होती होंगी, जैसे कि प्रोग्राम जीतो पाकिस्तान में आपने 2 तोला सोना जीत लिया है या आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे अनब्लॉक करने के लिए आपको किसी नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। और जब आप उस नंबर पर कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एटीएम कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम पिन नंबर लेकर आपसे फ्रॉड करने की भी कोशिश की जाती है। कुछ रोज़ पहले ऐसा ही एक मैसेज मुझे और मेरे कुछ कोलीग्स को रिसीव हुआ, जिसमें यह मेंशन था कि स्टेट बैंक की जानिब से मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और उसे अनब्लॉक करवाने के लिए मुझे एक नंबर पर कॉल करने को कहा गया था। वैसे तो मुझे आइडिया था ये महज एक स्कैम है, पर्पस इसका सिर्फ मुझसे मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स लेकर मुझसे फ्रॉड करना है, लेकिन मैंने सोचा आज कॉल करके देख ही लेते हैं। जब मैंने दिए गए नंबर पर कॉल की तो उन साहब से मेरी क्या कॉन्वर्सेशन हुई, आपको भी सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक मैसेज आया था कि मेरा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं करवाई। तो ये स्टेट बैंक वेरिफिकेशन कर रहा है, कुछ अकाउंट मिसयूज हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, इसी वजह से स्टेट बैंक वेरिफिकेशन कर रहा है। अगर आपके पास बैंक का एटीएम कार्ड है नंबर बता दे, मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। अच्छा सर, मैंने तो ये मुझे क्योंकि मेरे पास तो 2-3 अकाउंट्स हैं, एक नहीं है, 2-3। मैडम, ये नेशनल के अलावा ना तमाम की वेरिफिकेशन की जा रही है। नेशनल के अलावा तमाम की जा रही है? जी जी सर। मैंने तो अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बायोमेट्रिक करवा लिए थे, लेकिन फिर क्यों उसके बाद क्यों बंद हुआ? मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग कुछ अकाउंट मिस यूज हो रहे हैं। ब्रॉड शीट की जब से रिपोर्ट आई है ना, उसी वजह से ये स्टेट बैंक तमाम अकाउंटों की वेरिफिकेशन कर रहा है। 31 मार्च की ये न्यूज आई है और जकम की है ना वो ब्रॉड शीट की रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन सर उनकी तो नहीं आनी चाहिए ना, जिन्होंने वेरिफिकेशन करवा ली है। मैडम, आपने वेरिफिकेशन करवाया तो अपनी ब्रांच से करवाया ना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। अच्छा, स्टेट बैंक कर रहा है। अच्छा सर, मुझे आप अपना ऑफिस का फिर एड्रेस बता दें, मैं विजिट कर लेती हूँ, आपको डिटेल्स भी सारी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं ऑफिस में आना चाहती हूँ। जी जी, मैं ऑफिस में विजिट करना चाह रही हूँ ताकि मैं आपको CNIC और जो दूसरी डिटेल्स हैं वो भी आके दे दूँ। मैं ठीक है, आप इस्लामाबाद पार्क सेक्टर 8 एरिया F7 ब्लॉक में आपको। अच्छा, वहाँ पर आना है तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, वहाँ पर आके मुझे करवाना पड़ेगा? नहीं, अगर एटीएम कार्ड है उसका नंबर बताए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन आपका एटीएम कार्ड अपडेट हो जाएगा, आपको ब्रांच की तरफ से अभी मैसेज रिसीव हो जाएगा। अच्छा, तो आप मतलब स्टेट बैंक के एम्प्लॉई हैं, मतलब आपका क्योंकि पाऊंगी तो वो कौन सा आपका ऑफिस कौन सा है, स्टेट बैंक है कौन सा ऑफिस है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद F7 ब्लॉक में है ना हमारा ऑफिस, स्टेट बैंक की जो है ना हेल्पलाइन है, कॉलिंग सेंटर बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा, स्टेट बैंक का ये कॉलिंग सेंटर बना हुआ है। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो सिम से आया है मैसेज, ये तो डिफरेंट सिम नंबर से आता है जो ऑफिस? मैडम, ये सिम से आया वो बात बिल्कुल आपकी राइट बात राइट है, क्योंकि इजी पैसा और जैज कैश की भी वेरिफिकेशन हो रही है ना। लेकिन सर वो तो बैंक के ऑफिशियल नंबर से नहीं आता, क्योंकि ये मुझे जो मैसेज आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा ना वो बैंक के ऑफिशियल नंबर से आएगा। अच्छा, तो सर ये जो सिम फिर जिस नंबर से आया ये आपके नाम पर रजिस्टर है? जी, मेरे नाम पे नहीं है ये, तो हम तो जॉब करते हैं ना। आपका नाम सर? जी, मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम, तो सर अगर आप मुझे पूरा अपना डिटेल में एड्रेस बता दें ताकि मैं लिख लूँ वो एड्रेस और फिर मैं आ जाऊँ, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्ट समझ नहीं आया आपका एड्रेस। इस्लामाबाद F7 ब्लॉक में हमारा ऑफिस है। और नाम क्या है, किस नेम से? जी, ये इसका अपना स्टेट बैंक की कॉलिंग सेंटर बनी हुई है ना। अच्छा ठीक है, तो सर ये फिर मेरा अकाउंट नंबर भी इसमें मेंशन नहीं है, मुझे किस तरह पता चलेगा कि मैं किस बैंक के? हाँ, मुझे ये बताइए आपके पास एटीएम कार्ड मौजूद है इस वक्त? अभी तो सर मौजूद नहीं है मेरे पास। मैं आप एटीएम कार्ड लेकर आप तक करें, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आपने खुद सुन लिया होगा, उस शख्स का महज इंटरेस्ट मुझसे मेरा एटीएम कार्ड नंबर जानने में था। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका कोई भी जवाब जस्टिफाइड नहीं था। ऐसे स्कैम मैसेजेस और कॉल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। आप खुद सोचें, जब आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आप लकी ड्रॉ में कोई इनाम जीत जाएं। दूसरी बड़ी आइडेंटिफिकेशन, इस तरह के मैसेजेस किसी ऑफिशियल नंबर से नहीं बल्कि प्राइवेट सिम के नंबर से आते हैं। तीसरी बड़ी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस तरह के मैसेजेस में आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स जैसे कि CNIC नंबर, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिसिंग होती हैं।
हमारा इस वीडियो में ये सब बताने का पर्पस आपको महज इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में आगाही देना था, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको सही समझते हैं और रिस्पॉन्स दे देते हैं। अगर आपको भी इस तरह के मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हों तो उन्हें इग्नोर करें, कभी अपनी पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें और ट्राई करें कि ऐसे नंबर्स को फ़ौरन PTA को रिपोर्ट करें, ताकि मज़ीद लोग इस तरह के फ्रॉड्स के विक्टिम ना बन सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।